Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today with dynamic personality, television and Bollywood actor Rishabh Shukla. Hello Rishabh ji, namaste. How are you? Namaste Rashmi. मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं. एंड व्हेनेवर वी सी द सीरियल महाभारत, वी आर जस्ट मेस्पराइज्ड, यू नो कि वाओ. एंड बार 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 देखने का दिल करता है. व्हाट एन एक्टर यू आर. सो नाइस ऑफ यू. It's an honor to have you on. आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हो गई. बिल्कुल, ये तो आपने जो किया है आज घर घर में, आप देखिए अभी जो वक्त चल रहा है, हर घर में रामायण महाभारत यही चल रहा है. और मुझे लगता है सत्युग वापस आ गया है. और आपको तो ऐसा आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बिकॉज सब जानते हैं. जैसे सबने आपके देखा कि भाई ऋषभ जी शो पे आ रहे हैं, देखो लाइक हम तो उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, वो हस्तिनापुर के राजा है. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच. पर ये आपने सही कहा, ये डीडी पे जो अभी शुरू हुआ है फिर से रामायण और महाभारत, तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों का एक एंटरटेनमेंट भी हुआ और हमारी आज की जो पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए उसमें है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये रोल आपने कैसे आप सिलेक्ट हुए एंड हाउ इट वर्क, प्लीज आप शेयर करिए. ये तो हमारे सब व्यूअर्स जानना चाहते हैं इस बारे में. जी, ऐसा हुआ, बड़ा ये भी एक बड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंस रहा. मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया लॉर्ड श्री कृष्ण के लिए जी. और जब मेरा हो गया लुक टेस्ट तो उन्होंने देखा, उन्होंने सेलेक्ट किया मिस्टर गोफी पेंटल, उसके उस वक्त हमारे कास्टिंग डायरेक्टर भी थे, सभी कुछ वही संभालते. तो मुझे भगवान कृष्ण का रोल के लिए सिलेक्शन हो गया. मैं जो है, चूंकि मेरे करियर की शुरुआत थी जी. तो मैं भगवान का रोल नहीं करना चाहता था. ओके. क्योंकि उसमें एक खतरा रहता था, मैंने सुना था जब मैं इंडस्ट्री आया था कि भाई जो जो पहले एक्टर्स थे, महिपाल जी एक बड़े फेमस एक्टर होते थे, तो उन्होंने भगवान शिव का और भी, तो उनको सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही रोल फिल्मों में मिलते रहे. बिल्कुल. तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा कि सर मैं अभी भगवान का रोल नहीं करूंगा. अरे बोले पागल हो गए हो तुम हीरो का रोल हम तुमको ऑफर कर रहे हैं, तुम मना कर रहे हो. मैंने कहा नहीं नहीं सर, प्लीज आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, भगवान करने दीजिए. तो फिर उन्होंने मुझे देन बाद में मेरा उन्होंने इसके लिए सेलेक्ट किया राजा शांतनु के लिए. और बहुत एंजॉय किया मैंने रश्मि इस रोल में. मतलब क्या कहूँ, ऐसी टीम मुझे मिली थी जिसके बारे में कुछ भी कहना मतलब कम शब्द हैं. श्री बी आर चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा जी के बारे में, और भी सब, डॉक्टर राही मासूम राजा साहब और सारी टीम, मतलब जबरदस्त, मेमोरेबल. पर वो जो महाभारत बनी है, मतलब सबको ऐसा लगता है वही रियल महाभारत है. और इतने सारे आए हैं महाभारत, बट लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते. लोगों को लगता नहीं यही जो बी आर चोपड़ा जी ने बनाई. एंड एवरी कैरेक्टर वॉज अप टू द मार्क. बिल्कुल हर कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा रोल सबको दिया. एंड एवरीबॉडी डिड अमेजिंग जस्टिस विद दैट. दैट्स व्हाट इज वेरी इंप्रेसिव. बहुत अच्छा लगता है देख के. और यंग जनरेशन के लिए इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कोर्स. जी, मतलब आप ये समझिए कि ये श्री बी आर चोपड़ा साहब से बाद में ये भी कहा गया कि आप इस पर सर फिल्म बनाइए इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं एक्टर्स के साथ में. तो उनका खुद का कहना था कि ये महाभारत मैंने नहीं बनाई है, अब दोबारा से मैं नहीं बना सकता, ये गॉड ने बनाई है. तो हो जाती है, कुछ चीजें बन जाती हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो आपके शूट के टाइम का कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के साथ महाभारत के? जी जी अच्छा तो मतलब कितना अच्छा बोलूं कम है. लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि महाराजा शांतनु, यानी मैं शिकार के लिए निकला हुआ हूं. और हम लोग यहाँ बॉम्बे में एक जगह है, मुंबई में फिल्म सिटी बहुत बड़ा स्टूडियो है, तो वहां पे एक खुली जगह थी जहां पर के एक जगह से हमको रथ में मैं खड़ा हुआ हूँ
और मेरा सारथी रथ हाँक रहा है, और आगे जाके एक जगह डेड एंड आ जाता है, और वहां से राइट टर्न था जहां पर हमको जाना था। अब हुआ क्या कि रथ में जो घोड़े थे वो बहुत ज्यादा स्पीड उन्होंने पकड़ ली, और वो मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है वो घोड़ों ने पकड़ ली। आगे मुझे दिख रहा था कि टर्न आने वाला है, तो मैंने, क्योंकि कैमरा चल रहा था, शॉट शॉट ऑन था, तो मैं बोल भी नहीं सकता था बहुत जोर से, तो मैंने बहुत धीरे से उसे कहा, मैंने कहा रथ धीरे करो, आगे राइट टर्न है, स्लो नहीं होगी स्पीड तो गड़बड़ हो जाएगा, रथ नहीं ले पाओगे तुम, राइट टर्न नहीं ले पाओगे। तो वो बोलता है कि सर ये घोड़ों ने जो रकाब होती है ना, जो हाँ जी उनके जी नाक में डाली जाती है, वो हाँ उन्होंने, उसने कहा कि उन्होंने दांत से दबा ली है, और अब मेरा कंट्रोल खत्म हो गया इस पर से। गॉड और बस मैंने कहा आज मर गए, आज तो हाथ पैर टूटे और या मर जाएंगे। और फिर वही हुआ कि रथ की स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, और आगे राइट टर्न था, और जैसे ही राइट मेरे घोड़ों ने टर्न लिया, तो वहीं बिल्कुल बिगनिंग में ही पूरा का पूरा रथ उलट गया पूरे ओह का। माय गॉड, यस यस यस, और बस यही समझिए कि गॉड इज ग्रेट, उन्होंने हमारी रक्षा की। कि जब उल्टा तो उधर झाड़ियां थी, ओह माय तो गॉड, मैं और पूरा रथ झाड़ियों में फंस ओह गया, माय गॉड, और बच गए, थोड़ी बहुत खरोचे आई है ना, हम लोग बच गए। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर एक्टर, कि आप लोग, इट्स एक्चुअली अ सोशल सर्विस जो आप लोग कम्युनिटी के लिए करते हैं टू एंटरटेन पीपल, और बिहाइंड द सीन कितना हार्ड वर्क होता है आपका, लाइक व्हाट ऑल यू ऑल गो थ्रू. इट्स नॉट इजी टू शूट, मतलब आपको सीन दे दिया बहुत जाता है और आप उसको जस्टिस करते हैं. इट्स नॉट इजी एंड बहुत कठिन होता है रश्मि। मैं आपको बताऊं 1 मिनट के लिए, कि जहां पर राजा शांतनु गंगा जाती है, नदी जी में गंगा में बच्चे डुबो के मारती हैं, वो सारे सीक्वेंसेस, फिर राजा शांतनु की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आती है जी काफी समय बाद, जी वो भी जो है नदी में, मतलब उसका काम था हाँ नदी के इस हाँ पार से उस पार मुसाफिरों को ये करना। तो अब नदी चाहिए थी, तो नदी यहां पर नहीं है बॉम्बे में कहीं, तो यहां से जब हम गोवा जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है महाड़, जी महाड़ में नदी थी, तो हम सारे लोग, मतलब मेरे सारे सीक्वेंसेस थे, तो हम लोगों को महाड़ महाड़ ले जाया गया, और महाड़ में फिर हम लोग सुबह सुबह 7 o'clock पहुंच जाते थे हम नदी के किनारे विद मेकअप एंड ऑल, और फिर शाम तक जब तक धूप रहती थी, आउटडोर सीक्वेंस था नदी का, तो वहां शूट होता था। अब रश्मि वहां पर ये था, पत्थर ही पत्थर थे, वहां कोई पेड़ नहीं था, जी तो हम लोग, मतलब मैं, वो सारा मुकुट उकुट ज्वेलरी जो आपने देखी है वो पहने रहते थे, वो ओह सारा सुबह सुबह से लेकर के और शाम 5-6 बजे तक जब तक सन रहता था मैं वहां शूट करता रहता था। तो धूप में और बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स हम मेरे ऊपर डाले जाते थे, बिकॉज 12-1 बजे के बाद जब सन टॉप पे आ जाता है जी तो सर पे रोशनी आती है, चेहरा डार्क दिखने लगता है, जी तो रिफ्लेक्टर्स चमकाए जाते थे। तो मतलब कुल मिला के वो रिफ्लेक्टर्स की पूरी गर्मी और धूप, और ये समझिए कि 7, 8, 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने शूटिंग की होगी, मेरी पूरी की पूरी जो स्किन थी, जितना ओपन हिस्सा था, वो सारा जल गया था, ओ माय पूरा का गॉड, पूरा टैन हो गया था। और जब मैं लौट के आया हूँ बॉम्बे, तो वो धीरे धीरे, जैसे प्याज खाते हैं, आप लोगों ने देखा है ना प्याज, जी अनियन, हाँ जी अनियन में कैसे छिलके होते हैं, एक हाँ एक जी छिलका हाँ एक एक छिलका, इस तरह से मेरी वो स्किन जो है छिलके ओ की तरह पूरी बॉडी की स्किन माय उतरी, गॉड, देन नई स्किन आई। कहने का मतलब ये था कि बहुत 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 ज्यादा तकलीफें होती चोट, ऑफ हैं कोर्स शूटिंग में, ऑफ कोर्स, वो बाहर से दूर से ऑडियंस नहीं समझ सकती कि हम लोगों ने क्या क्या फेस किया है। बिल्कुल. मतलब मेहनत आपकी रंग लाई, मैं तो ये बोलूंगी आप सबकी, एंड बट इट्स अ हार्ड वर्क, और इसीलिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि आपने ये रोल किया, एंड आज हम लोग अपने यंग जनरेशन को दिखा सकते हैं कि भारत का सो कल्चर, दैट्स, संस्कार, सभ्यता, सब. जी ऑफ कोर्स, दैट्स ग्रेट. आप आज भी सबका भी इसी बहुत बहुत शुक्रिया हम आज पे जी। ट्रेंड आ गया नमस्ते का.
यस बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप पहले आप बोलिए, आप बोलिए फिर मैं नहीं, आप बोलता बोलिए, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आज तो मुझे आपसे बातें करनी है और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी जर्नी, हमारे व्यूअर्स। जी देखिए, बड़ी खुशी होती है मुझे और भी बहुत लाखों करोड़ों भारतवासियों को होती होगी कि जो हमारा कल्चर रश्मि था और है, हमारे ऋषि मुनि जो कुछ कह गए कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होनी चाहिए, क्या तब उन्होंने सोचा होगा कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, हमको जस्ट दूर से नमस्ते करना, मतलब तब उन्हें मालूम था कि हमारे हाथ में भी बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड ऑल और भी तमाम चीजें, खाना यस, कैसे खाना है, सोना है, एवरीथिंग। धीरे धीरे बेसिकली मैं देख रहा हूं कनेक्टेड। स्लोली स्लोली वर्ल्ड जो है वो हमारे कल्चर को, इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा है और बड़ी खुशी हो रही है, उसी में सबका फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचो, सो आपका एक्टिंग की तरफ बचपन से ही रुझान था या आपने कुछ और फील करते करते आप इस लाइन में पहुंच गए? नहीं रश्मि, ऐसा था कि बचपन में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था बचपन में कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल में बहुत ज्यादा रहा। जब मैं कोई फिल्म देखता था, लाइक बहुत अच्छी फिल्म हुई, दिलीप कुमार साहब की हो गई या राज कपूर साहब की हो गई, तो उसका हैंगओवर मेरे सर पे बहुत बहुत जमाने तक रहता था ओके। और मैं मतलब उसी में खोया रहता था, वो कैरेक्टर मुझे दिखाई देता रहता था और मैं बस फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये जो है एक्टिंग का सिलसिला हुआ जब मैंने, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, वाह, तो बीएससी जब मैंने किया है तो तभी जो है थिएटर का शौक मेरे एक दोस्त ने लगवा दिया था वहीं पे। मेरी मदर का एक सेकंड में बोलता हूँ, मेरी मदर बहुत बड़ी और महान अभिनेत्री रही अच्छा, थिएटर फिल्म्स टेलीविजन की, ओह ओके, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा अच्छा एक्टर बनना है तो थिएटर करना बहुत जरूरी है, थिएटर, रेडियो, टेलीविजन, तो तुम फिल्म के एक बहुत अच्छे एक्टर बनोगे। तो वहां से मैंने थिएटर किया थोड़ा सा कानपुर शहर में और फिर मैं यहाँ बॉम्बे, यहाँ मेरी माँ और मेरा भाई, ये लोग पहले से ही शिफ्ट हो चुके थे, फिर मैं यहाँ आ गया और यहाँ आके फिर मैंने ये अपना मतलब माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे एक्टर बनना है, परफेक्ट। और मेरी माँ का सपोर्ट रहा, फुल सपोर्ट, आशीर्वाद रहा और मैं कोशिश करने लगा। सो व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड? बॉलीवुड में मेरा यही महाभारत, जिसके बारे में हम लोग अभी आपने जी, एंड क्लिपिंग्स देन दिखाई मूवीज में कि आपका महाभारत सिलसिला कैसा हुआ? मूवी का ऐसा हुआ रश्मि के, महाभारत टेलीकास्ट होना शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1988, फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, एंड बस अक्टूबर में टेलीकास्ट हुआ, मेरा काम सबने देखा, सारी दुनिया ने, और मुझे जो आज का अर्जुन जो फिल्म जी आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म जी थी, बड़ी बिल्कुल सुपरहिट फिल्म, बिल्कुल। तो उसके लिए उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मिस्टर केसी बोकाड़िया, उन्होंने मुझे कॉल किया और वहां सब लोगों ने मुझे मुलाकात की, उनके सारे लोग, उनकी टीम ने, और सबने एक स्वर में कहा कि नहीं ये फिट है ये लड़का, क्योंकि उसमें उनको बहुत अच्छा एक्टर के साथ साथ उनको एक ऐसा फेस चाहिए था जी जो नेगेटिव ना लगे, आउट एंड आउट पॉजिटिव लगे, पूरी फिल्म में वो लगता है कि एक चॉकलेटी हीरो है, बहुत जी अच्छा लड़का है, लेकिन लास्ट में जाके प्री क्लाइमेक्स से पता चलता है कि ये हीरो नहीं विलन था और ये ओके, सारा खेल इसी ने खेला, वाह, तो तो इसलिए भी उनको यार, बड़ा पॉजिटिव फेस चाहिए था। या तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद अमिताभ जी एंड अमरीश जी, आपका कैसा रहा? यू आर लुकिंग ग्रेट। बहुत ग्रेट, मतलब ग्रेट मैं कहूंगा, बच्चन साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने काम किया उनके साथ, वो जितने अच्छे एक्टर हैं उसके साथ साथ उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। ऐसे ऐसे वाकये हुए मेरे साथ उस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो उन्होंने मुझे जेस्चर दी, मैं तो नया लड़का था एकदम, बिल्कुल बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल नया बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने
बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, हौसला अफजाई की, बहुत 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 बड़े इंसान, बस बहुत वेरी अच्छे नाइस। इंसान। आपका जो सीरियल था सिसकियां, दैट वाज रियली हिट सीरियल और बहुत ही पसंद किया गया था दर्शकों से, तो वो आपको जी कैरेक्टर प्ले करने में कैसा, लाइक डिड यू एंजॉय डूइंग दैट रोल? जी एक्चुअली वो स्टोरी बड़ी अलग हट करके थी, इसीलिए मैंने फिर मतलब कहा कि ठीक है मैं करूंगा। और उसको करते वक्त उसके भी अगेन जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो भी बहुत बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव थे, तो उनके साथ भी काम करने का बहुत मजा आया सिसकिया में, और वो बड़ा पसंद भी किया गया था जी सिसकिया बिल्कुल, यहाँ पे। सो ट्रू। सो यू हाँ हैव जी वर्क्ड इन थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, आपको क्या लगता है लाइक विच प्लेटफॉर्म इज गुड, या सारे प्लेटफॉर्म सेम है? नहीं सेम तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क ये है कि थिएटर ये है कि पूरा लाइव होता है, आप वहाँ रिटेक नहीं होता, जो कुछ है बस एक ही बार है, एक ही टेक में सारा करना होता है, उसकी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन उसका मजा बहुत ज्यादा होता है जो दूसरी चीजों में वो मजा नहीं है, मतलब एक नशा होता है जहां आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऑडियंस के साथ होता है, आप और ऑडियंस एकदम आमने सामने होते हैं, अलग ही बात। ये तो हुआ थिएटर का। जी बिल्कुल। और बाकी टेलीविजन तो मतलब आप एक बार एक टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं, लाइक महाभारत हम कर रहे हैं, महाभारत टेलीकास्ट हो रहा है, सेम टाइम पे क्रोर्स ऑफ क्रोर्स लोग व्यूवर्स जो है उसको देख लेते हैं, यानी आप उसी सेम टाइम में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, आपको लोग देख लेते हैं, ये घर बहुत घर, बड़ा उसका बेनिफिट है, घर घर, यस बिल्कुल। जो कि थिएटर में नहीं हो सकता, थिएटर के अलग फायदे हैं और टेलीविजन के अलग फायदे फायदे हैं, और फिल्म जो है वो तो सिल्वर स्क्रीन है, वो मरने के बाद भी याद किया जाता है, लोग सोचो देखते हैं, वो फिल्में आती रहती हैं, तो उसका अलग फायदा है, मतलब बिल्कुल। कहा नहीं जा सकता, सबके अपने अलग अलग जो है ये। तो ऋषभ जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है एंड यू आर रियली अमेजिंग एक्टर, तो आपको क्या लगता है तब और अब में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी और अब में, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है आज के एक्टर्स में और तब के एक्टर्स में, कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? जी फर्क देखिए, मुझे जो लगता है पहले जो आते थे हम लोग काम करने को, मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे तो सपोर्ट था मेरी माँ का, लेकिन और बाकी जो लोग आए थे मेरे सीनियर एक्टर्स और दूसरे भी जो आ रहे थे, वो सारे लोग एक जुनून लेके आते थे, मतलब ओके, तो एक दीवानगी कि नहीं बस बनना है बनना करना है। तो आजकल के जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन कहीं सारे एक्टर्स को तो नहीं कह सकता, लेकिन सम परसेंटेज है एक्टर्स का कि कहीं लैक होता है, वो जुनून नहीं दिखाई देता है। वेरी जैसे ट्रू। हम लोगों को आज भी हम कोशिश करते हैं, जो हमने अपने सीनियर एक्टर्स से सीखा के सीखते रहना है बिल्कुल हमेशा, पूरी जिंदगी कम है, मतलब सीखने का कोई वो नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल, तो वो चीज कहीं कहीं पे कभी कभी वो लैक होती हुई दिखती है, सब में नहीं लेकिन हाँ कुछ लोगों में दिखती है, या बट और कुछ लोगों का रिसोर्सेज बढ़ ऐसा गए, दैट्स खाली व्हाट यू आर सेइंग कि एक पहले कम थे और अब बढ़ गए, रिसोर्सेज में चेंज आ गया है थोड़ा। जी बढ़ गए हैं अभी, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन पहले भी था, फर्क ये है कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है एक्टर्स की, तो उसके साथ साथ काम भी मिलने के बहुत सारे चीजें आ गई हैं, जैसे तब हमारे समय में सिर्फ एक चैनल होता था, डीडी, डीडी वन, डीडी नेशनल, तो बस एक सीरियल महाभारत चल रहा है, बस महाभारत चल रहा है, लेकिन अब गिनती नहीं है कितने चैनल्स हैं, 24 घंटे के चैनल्स हैं, तब वो एक टाइम होता था सर्टेन के जी, इतने बजे से इतने बजे तक ही टीवी चलेगा, और सड़कें खाली हो जाती तो ये एक बहुत बड़ा वो है, तब में और अभी में बहुत बड़ा ये है, अब तो काम ही काम है, बहुत काम है और जी, लोग भी बहुत बढ़ गए बहुत हैं। बढ़ गए हैं ऑफ कोर्स, पर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है शुक्ला जी, इसीलिए मुझे लगता है यू आर ऑल्सो इन द वॉइस ऑफ लॉर्ड वॉलमोंट का, आपका भी है हैरी पॉटर सीरीज में, उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। जी
मैंने जैसा आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि मेरी मदर ने कहा था कि बेटा तुम ये करना, थिएटर, टेलीविजन और रेडियो, तो डबिंग के लिए जब मैं आया था तो जस्ट ऑर्डिनरी बीएससी था, जी तो ये था कि सरवाइव करना है मुझे, अपने पैरों पे खड़े होना है और घर से पैसे नहीं लेने। घर में तो ठीक है, सब कुछ राइट फ्री में मिल रहा है, घर, मकान, खाना, सब कुछ, लेकिन आगे का मुझे सब करना है। तो किसी ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम अच्छी हिंदी बोल लेते हो, तो तुम व्हाई नॉट डबिंग करो। तो बस वहां से डबिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो करते रहे डबिंग और खूब काम किया, खूब पैसा कमाया, नाम कमाया। अब बात आती है हैरी पॉटर में, जी वो भी बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रश्मि मुझे बुलाया, वहां के जो डबिंग डायरेक्टर थे मिस्टर संजीत, जी उन्होंने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए मुझे कॉल किया और उसकी नो ऑडिशन, कुछ नहीं, ये सर डायलॉग है और चलिए डबिंग शुरू करते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा, बोले सर नहीं, इनके पास बॉडी नहीं है इस कैरेक्टर की, इतना इतना बड़ा साइज का वो थे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बिगनिंग में, जी और उनके जो चेले थे वो अपनी पगड़ी के अंदर उनको छुपा के घूमते थे। ओके तो बोले सर इनके पास चूंकि बॉडी नहीं है, तो आप अपनी आवाज में जो आपके भारीपन है, जो बॉडी है आपकी आवाज में, बहुत बॉडी है, तो इसको निकाल दीजिए। मैंने अच्छा कहा यार इसको तो है ना गॉड गिफ्टेड, इसको कैसे निकालूं। बोले सर कुछ करिए, सर करिए। तो मैंने किया, थोड़ा सा दबाया आवाज को, बेस को, ग्रेन्स को। बोले नहीं सर, और फिर और फिर और। मैं इरिटेट हो गया, मैंने कहा यार तो तुमने किसी और को क्यों नहीं बुला लिया जो महीन आवाज का कोई। नहीं, बोले सर हमको खाली डबिंग आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमको एक्टर चाहिए इस रोल के लिए। तो फिर खैर करते करते उनका भी पेशेंस कहूंगा मिस्टर संजीत का, कि घंटों लग गए मुझको वो पर्टिकुलर आवाज निकालने में, बिल्कुल लेकिन फिर वो निकली एकदम 100% बॉडी निकल गया। आप देखेंगे जब वो फिल्म का पहला पार्ट जहां लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पहली बार आते हैं, तो अब चूंकि आपको पता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं हो तो आप नहीं जान पाएंगी कि मैं बोल रहा हूं उसमें। वाह फैंटास्टिक। तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आपने बीच में मुझे बात तो करते करते बताया था कि आपने शांतनु का रोल किया और कृष्णा का रोल नहीं किया, बिकॉज आपको लगा कि फिर मे बी और स्टिक टू दैट सॉर्ट ऑफ रोल्स। लेकिन आपने आगे भी लाइक महाभारत कथा में लॉर्ड कृष्णा का रोल किया और माँ शक्ति में भी आप आए, तो माइथो आपको अट्रैक्ट तो करता है, माइथो रोल्स, और आपको सूट भी बहुत करते हैं। मैं माइथो, एक्चुअली माइथो बहुत ज्यादा नहीं किए मैंने। अगर आप मेरे ये देखेंगे मेरे असाइनमेंट से जो जो मैंने काम किया है, तो मेरा ख्याल है शायद 6 या 7 मैंने माइथो किए होंगे, बल्कि महाभारत के लिए मैं कहूंगा एपिक है ये। तो सॉरी आपका प्रश्न क्या आपने पूछा नहीं, बट कि यू डिड क्या? माइथो, आपने सीरियल्स करे लाइक फैमिली ड्रामास और मूवीज भी किया, लेकिन आपने फिर भी किया, माँ शक्ति में भी आप आए हैं। आई थिंक बिकॉज आई फील कि आपकी इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटीज और किंग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए आपको ये रोल ऑफर होते रहे फिर। हाँ, जी, जी बिल्कुल सही है कि जी पर्सनालिटी तो मैच जी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था, मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा माइथो, तो मिस्टर बी आर चोपड़ा जी के साथ महाभारत जो मैंने किया, जहां से मैं एज एन एक्टर सारी दुनिया में जाना गया, जी उनके साथ में ज्यादा काम किया है मैंने अच्छा माइथो जी का। सो जैसे महाभारत उनके साथ किया, फिर माँ शक्ति उनके साथ किया, जी फिर विष्णु पुराण उनके साथ किया, जी और 3 4 तो माइथो उन्हीं के साथ में किए। आपकी हिंदी कितनी शुद्ध है, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मुझे क्लियर, फायदा वेरी। मिला। हाँ जी एक तो मैं हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश,
और हमारी मदर टंग भी हिंदी है, हमारी नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी है, और प्लस मुझे जो मेरी माँ की गाइडेंस रही उसमें, जो उन्होंने कहा था कि रेडियो और डबिंग ये सारी चीज़ें तुम करना, तो रेडियो करने से वहाँ से एक वॉइस की मतलब इसकी क्लैरिटी जो है बहुत आई बिल्कुल। और लैंग्वेज पॉलिश हुई मेरी जी। आपके फेवरेट एक्टर कौन है ऋषभ जी? वन एंड ओनली श्री दिलीप कुमार साहब। अमेजिंग, इज अ लेजेंड ऑफ कोर्स, यस, सुपर। तो आप उनसे इंस्पायर्ड हैं? आप अपनी एक्टिंग में कैसे उनको फॉलो करते हुए आपने नहीं, सीखा या? नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं हूं और वो तो सूरज हैं, उनको क्या मैं उनको कॉपी कर सकूंगा, वो तो ओरिजिनल है और मतलब उनकी तो बात ही क्या है, सभी लोगों मतलब उनके दीवाने हैं, फैन हैं सब दिलीप साहब के। तो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं ऋषभ जी? अपकमिंग प्रोजेक्ट में अभी अभी तो मैं बल्कि शायद हाँ मैं अभी कर रहा होता, लेकिन ये जो बीच में कोरोना का आ गया सिलसिला, यूपी जाना था, लखनऊ में शूट था, यूपी की बैकग्राउंड पे एक फिल्म बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन रहा है, तो बस अब वो सारा, अभी तो शूटिंग्स भी बंद है ना, आपको जी मालूम होगा यहाँ तो सब कुछ पूरा लॉकडाउन हो गया है, तो बस अब इंतजार है कि जल्दी से जल्दी शुरू हो लॉकडाउन है, लेकिन नॉर्मल सब तो लाइफ घर फिर से। घर में है अभी, तो हर जगह रामायण महाभारत का चल रहा है, यही सतयुग आ गया है सब कह रहे हैं। तो सतयुग आ आपका तो गया, वैसे भी सतयुग कोरोना आ की वजह से गया। सब बंद है, आपका तो काम बिल्कुल जारी है, एंड एवरीबडी इज वॉचिंग, एंड इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऋषभ जी। बट बिफोर वी एंड आवर शो, आई वुड लाइक टू हैव अ मैसेज फ्रॉम यू फॉर आवर व्यूअर्स। व्यूवर्स के लिए मेरा मैसेज है कि मेरे भारतवर्ष के देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, समय तो आता जाता रहता है, दिन रात आते जाते रहते हैं, एक जैसा समय नहीं रहता, जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा, बीत जाएगा, और बस आप लोग को जो चीज़ें डॉक्टर्स कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कह रही है, वो एडवाइजरीज आप लोग उसको फॉलो करते रहिए, ये बिल्कुल, छोटी छोटी बातें मैं क्या रिपीट करूं, सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा, हाथ धोना साबुन से नहीं, और ऑफ कोर्स, आपके मा फैंस आपकी बात मानेंगे, हमें बताते रहना है बिल्कुल, और योर मैसेज इज लवली फॉर आवर व्यूअर्स एंड दे विल फॉलो इट मोर, और ध्यान से सुनेंगे, एंड हमें इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आना, दैट्स व्हाट वी वांट। एंड थैंक यू सो मच ऋषभ जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नमस्ते, थैंक यू, इट वॉज ग्रेट जी। टॉकिंग टू यू। एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि मैं मिस्टर डी के श्रॉफ या जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों से मेरा उन्होंने कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।